आप सभी को मेरा प्रणाम। माँ नंदा देवी की पावन भूमि नंदा धाम सिद्धपीठ कुरूर से मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसे अपने शब्दों में संक्षिप्त वर्णन किया है नंदा धाम कुरूर से नवीन चंद्र रिंकेश जी ने। इस भागती दौड़ती दुनिया से कोसों दूर प्रकृति की अद्भुत सुंदरता के बीच दूरस्थ पहाड़ों के समीप देवभूमि का एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पहुंचकर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति अपने अद्भुत सौंदर्य स्वरूप में प्रकट है। वैदिक काल से ही इस क्षेत्र को वैकुंठ धाम, मोक्ष द्वार, अन्य कई नामों से जाना जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, पर्यटन और संस्कृति को देखने को देसी तथा विदेशी सैलानी प्रत्येक वर्ष यहाँ आते हैं और प्रकृति की अद्भुत अकल्पनीय सौंदर्य का लुप्त उठाते हैं। इसी बीच मैं आपको लिए चलता हूँ देवभूमि के सीमांत क्षेत्र चमोली जिले के दूरस्थ क्षेत्र नंदा धाम कुरूर की ओर। इन दिनों पहाड़ी अंचल अपनी रोजमर्रा में काफी व्यस्त है। इसी बीच एकता और अखंडता को जोड़ती सजौती पौराणिक परंपरागत मानंदा देवी लोकजात यात्रा का आयोजन नंदा धाम कुरूर में बड़ी धूमधाम से आयोजित किया गया। मानंदा देवी लोकजात यात्रा का शाब्दिक अर्थ हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे किसी विवाहित कन्या को ससुराल भेजने की यात्रा। मानंदा देवी राजराजेश्वरी मैया का नंदा धाम सिद्धपीठ कुरूर में प्राचीन मंदिर है। नंदा धाम में मानंदा की स्वयंभू शिला मूर्ति विद्यमान है तथा यहाँ के मुख्य पुजारी गौड ब्राह्मण हैं। मंदिर प्रांगण में मानंदा की पूजा आराधना गौड पुजारियों के द्वारा प्रत्येक दिन की जाती है और माँ को भोग के रूप में गुलगुले का भोग नित्य दिन लगाया जाता है। क्षेत्रवासियों द्वारा माँ को कैलाश के लिए विदा करने की परंपरा लोकजात यात्रा कहलाती है। जब माँ अपने मायके से क्षेत्र के विभिन्न पड़ाव से भ्रमण करते हुए कैलाश के लिए विदा होती है तो संपूर्ण क्षेत्र नम आँखों से नंदामय होता है। माँ को लोग अपनी बेटी ध्यान मानते हैं। जागरों, पौराणिक गीतों, स्थानीय फलों से माँ नंदा को मना बुझा कर कैलाश भेजते हैं। स्थानीय लोग माँ को अपनी बेटी ध्यान के रूप में मानते हैं। एक विशाल जन समूह माँ की इस दिव्य यात्रा में शामिल होता है। वरन प्रत्येक 12 वर्ष यहाँ हिमालयी महाकुंभ के नाम से विख्यात मानंदा देवी राजजात यात्रा का आयोजन भी इसी स्थान से होता है, जो कि विश्व की सबसे लंबी पैदल यात्रा भी कही जाती है
और प्रत्येक वर्ष यहाँ मानंदा देवी लोकजात मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रथम दिन मानंदा देवी राजराजेश्वरी माँ की डोली पूजा अर्चना के लिए बाहर आती है। लगातार 3 दिनों तक श्रद्धालु द्वारा माँ की पूजा अर्चना सिद्धपीठ नंदा धाम कुरुड़ में की जाती है। और मानंदा देवी पर्यटन और सांस्कृतिक मेले का आयोजन भी इसी स्थान पर किया जाता है, जिसमें क्षेत्रीय लोग बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करते हैं और इस मेले को भव्य और दिव्य बनाने में अपना अहम योगदान देते हैं। इसी बीच तीसरे दिन जब मानंदा देवी राजराजेश्वरी की डोली मंदिर से निकलती है, तो पहले मानंदा देवी के भाई लाटू भूमियाल देवता के पश्व पर देवता अवतरित होते हैं। फिर मानंदा भगवती अपने पश्व गॉड पुजारी पर अवतरित होकर क्षेत्र को सुख समृद्धि यश वैभव का आशीर्वाद देते हुए कैलाश के लिए विदा होती है। भक्तों द्वारा मां की स्तुति नम आंखों से, जागरों तथा पौराणिक गीतों से की जाती है और खाजा चूड़ा, स्थानीय फल, मौसमी फल, विभिन्न प्रकार के साजो सम्मान, श्रद्धा सुमन अर्पण कर मनौती करते हैं। मानंदा देवी मां की डोली प्रगना दसोली के विभिन्न पड़ावों से होते हुए नंदा सप्तमी के दिन बालपाटा में जात संपन्न करती है और मानंदा राजराजेश्वरी मां की डोली परगना बधाण के विभिन्न पड़ावों से होते हुए वैदनी में जात का समापन करती है।